your channel failure channel. Oh, sorry, भूल गया था कि हाथ टूटा हुआ है. सॉरी, इससे पकड़ना पड़ेगा. सो गाइस, यार मैं ठीक आ रहा हूँ. पहले इतना बताओ मेरे को. नहीं ठीक आ रहा हूँ ना मैं. हाँ. सो गाइस यार, वेलकम टू आवर चैनल फेलियर चिराग ब्लॉग्स. मजा नहीं आया. अब मजा कैसे आएगा? हाँ, टूटा भाड़ नीचे देख रहे हो कितनी मुश्किल से ब्लॉग ला रही हूँ ये, मुझे पता. मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सहन कर लो यार. मैं कितना सहन कर रहा पता है? अच्छा, हमको सिखा रिया है तो सब कुछ बताऊंगा. रुक जाओ कि कैसे हुआ मेरा एक्सीडेंट और कहाँ मैं ठुक गया जाके. और क्या वीडियो बनाने गया था मैं उस दिन, या फिर कुछ काम से गया था, या फिर क्या करने गया था? गाइस तो ये वाला हाथ जो है मेरा फ्रैक्चर्ड है, और ये इसको लगभग हो चुके हैं 3 दिन ऐसी पड़े, मतलब ऐसी रखे इसी हाथ से. और मैं गाइस लिटरली मेरे 2 दिन से इतना दर्द हो रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं बताऊं सबको कि मेरे साथ हुआ क्या है, ये फ्रैक्चर कैसे हुआ. इंस्टा स्टोरी डाली थी मैंने, बहुतों के मैसेज आए कि भाई कैसे हुआ. तो मैंने लोगों को मैं बता नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि एक, फिर एक भाई ने मुझसे कहा कि भाई एक वीडियो बना ले और उसमें सबको पता चल जाएगी कि तेरे साथ कैसे क्या हुआ. तो मैंने यार मतलब हर जगह कंटेंट दिखता है तुम्हें कि मतलब हाथ टूट गया तो कंटेंट. फिर मैंने सोचा वो गलत नहीं कह रहा है, वो ठीक कह रहा है. मस्त प्लानिंग बता रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या. तो फिर मैंने सोचा यार ठीक है, बता देते हैं, उसने गलत नहीं कहा, सही कहा. तो बस मुझे हाथ ये वाला थक चुका है, और ये वाला हाथ तुम्हें पता ही है 3 दिन से थका हुआ है. गाइस यार ट्राइपॉड कैसे, देखो मैं इस टाइम ट्राइपॉड कैसे खोलूं. आई थिंक मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक दिख रहा हूँ. हाँ भाई यार गिरे मत भाई, थोड़ा सपोर्ट तू ही कर. आई थिंक मैं अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूँ. हाथ की रेड लग चुकी है जैसे कि तुम देख सकते हो. ये पूरा, ये मैंने स्वेटर ऊपर पहन लिया ना, तो इस चक्कर में तुम्हें पूरा नहीं दिख रहा. ये हाथ तक आएगा, दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, बोल दे करो हाँ हूँ. वो दिन तो कहीं मेरे को होश ही नहीं रहा. होश रहा ये मत सोचो, मतलब जब तक मैं दवाई खाता था जैसे पेन किलर खा ली तो दर्द हमारा 1 घंटे तक बंद हो गया. उसके बाद फिर घर वालों को भी पता है कि मोहल्ले वाले पूछने आते हैं, भाई साहब ये चीखे कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है ऐसा घर में तुम्हारे, हमें देखने दो. अरे कहना क्या चाहते हो? पता चला तो मैं चीखे मार रहा था यार, बहुत बुरा हाल हो गया है. और अगर मैं तुम्हें बताऊं पूरी बात हुआ कैसे, और तो चलो बताते हैं, है ना. अबे फिर तू क्यों आगे आ रहा है भाई साहब? तुम डेड हो, तुम्हारा काम नहीं है अभी, अब तुम काम करोगे. अबे भैया गलत मत समझे करो, मतलब तुम ये ट्रैपॉड उठाओगे अब, ये देख रहा है गलत मतलब समझ रहे हैं. अच्छा, हमको सिखा रिया है. देखो कहीं अगर तुम इस ब्लॉग में बोर हो रहे हो ना, तो यार देखो मैं कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि ये वाला हाथ मेरा बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो चुका है, तुम देख रहे होगे. इसे ही देख देख के ब्लॉग को थोड़ा क्रिएटिव बना दो यार तुम, ठीक है. तो क्रिएटिव मैं नहीं कर पाऊंगा यार, समझ सकते हो तुम मेरी बात, है ना. सो गाइज अगर मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ हुआ क्या था, तो गाइज मैं जा रहा था अपने दोस्त के, आज इस चोट को लगे लगे कम से कम 3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं. तो आज मुझे होश आया, मतलब ऐसे वाला होश नहीं, मतलब दर्द से होश आया कि मतलब देखो गाइस हुआ क्या. मैं अपने दोस्त के गया, जैसे मैं उसके घर गया, जाने के बाद मैंने उससे बात बात करी, हम 3 दोस्त थे, हमने खाया पिया, अब मैं उसके घर पे. और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, मतलब आज कल, हाँ कल के दिन, यार मैं कितना कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ. चुप, बिल्कुल चुप. जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था रात के 8 बजे, हुआ कैसे बताता हूँ. करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. हम लोग सब प्लान करने वाले थे कल, हम लोग जैसे मान लो आज रात मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं आज उसके घर गया, सब कुछ प्लान फिक्स था हमारा नैनीताल का, हम लोग नैनीताल घूमने जाने वाले थे, हमारा 2 दिन का प्लान था नैनीताल का, वहीं मजे करते. मस्त प्लान है, मतलब अपने घूमने जा रहे थे, बर्फ वगैरह अपना इंजॉय करते, नैनीताल से ऊपर भी जाते, सब कुछ प्लान था बढ़िया सा एकदम. घर वालों ने भी परमिशन दे दी, हाँ सही सोना. लेकिन जब नसीबी
अब वो, हाँ वो तुम आगे समझ गया होगा मैंने क्या बोला लिप सिंग में। मम्मी पापा ने तो नहीं रोका नैनीताल जाने के लिए, प्लान बता दिया था उन्हें मैंने, उन्होंने परमिशन दे दी थी, इनने रोक लिया। मैं उससे बात कर रहा था, किससे, दोस्त से, तो सामने से एक बाइक आई, मतलब स्कूटी मेरी स्टैंड पे लगी हुई थी, मेन मार्केट है मुरादाबाद का, तो वहाँ बातें कर रहा था मैं, तो वो तीन जने स्प्लेंडर पे आराम से हल्की उल्की उन्होंने पी रखी थी, मैं बिल्कुल नशे में नहीं थी, बिल्कुल हल्की सी उन्होंने पी रखी थी, तो मैं अपने दोस्त से बस पीछे मुड़ के बोल रहा था, जैसे ही मैंने आगे देखा, देखिए धर्राएं काट रही है ओम को, वो तीनों के तीनों पाइप से मेरे ऊपर, यार क्यों गलत समझते हो, मेरे हाथ के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, मैंने मुझे पता है, मैंने अपने ऊपर ही बोला है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, गलती हो सकती है, क्यों हर समय पीछे पड़े रहते हो। कट कर देना ज्यादा हो रहा थोड़ा, स्टॉप, बहुत बकचोदी हो रही है। उनकी जो स्प्लेंडर थी उन पर, वो मेरे हाथ पे गिर गई पूरी। अब जैसी हाथ पे गिर गई, उसको लगा कि मेरी गलती है, मतलब गलती एक तरह से कह सकते हो, दोनों की आधी आधी थी। वो बंदा इतनी तेज ला रहा था कि उससे अगर वो सातों जन्म भी रोकने की कोशिश करता तो उससे थोड़ी देर में जाके रुकती है, क्योंकि वो हल्की सी पिए हुआ था, और मैं भी गाइस अपने रॉन्ग साइड में मजे ले रहा था, उससे बात कर रहा था, और मैं पीछे मुड़ रहा था, जैसे ही आगे देखा तो ये फ्रैक्चर हवा में आ रहा था कि जल्दी से हाथ दो मैं चलने वाला हूँ। तो ये हो गया, और जैसे ही वो मैं गिरा, उसकी बाइक मेरे बिल्कुल हाथ पे आ गई, फिर मेरे हाथ को होश नहीं, मैं एक हाथ से स्कूटी, तब कुछ नहीं था, एक हाथ से स्कूटी चला के घर आ गया अपने। तो मैं मतलब वहाँ पे मतलब भैंस वैंस हुई उनसे, वो पिए हुए थे, तो वहाँ सॉल्व हो गया मैटर जो भी था, ठीक है। मैं घर आया, मेरे को लगा ऐसी नॉर्मल गुम चोट वगैरह आई है, मैंने क्या करा, अपना वॉल ही नहीं लिया करा, उसके बाद गर्म पट्टी बांधी और जाके बिस्तर पे लेट गया। घर वालों को इतना कह दी थी कि रिक्शे से टकरा गया हूँ, नॉर्मल सी चोट लगी है, और हमारा कल सुबह नैनीताल का प्लान था, हम तो बड़े खुश, हमने कहा यार गर्म पट्टी बांध ली, सुबह तक तो अपने ठीक हो जाएंगे। 12 बजे ऐसी चीख मार रहा मैं कसम से, गाइस ऐसी चीख मार रहा मैं, फिर गंदा मतलब समझ लिया, अबे दर्द के मारे हाथ में ना दर्द हो गया था उस टाइम पे कि मेरा हाथ मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा मुझसे मेरा हाथ। फिर जल्दी से पापा कह रहे कि बेटा बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, सुबह को चलो फिर पट्टी करवाने। ऐसे हुआ था मेरा एक्सीडेंट, और आज 2 दिन हो चुके हैं, थोड़ा आराम है हाथ को, ये नहीं कह रहा तभी वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो गाइज अब मेरा हाथ थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी भी बेटर नहीं है, फिर डॉक्टर के जा रहा हूँ, कुछ इसमें वो कह रहे थे कि इसका स्क्रू ढीला हो गया, थोड़ा टाइट करना है। तो अगर तुम्हें वीडियो में मतलब पता चल गया हो, आंसर मिल गया हो कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो कृपया अब मुझसे मत पूछना इंस्टाग्राम पे भाई कैसे हो गया, इसलिए एक प्रॉपर वीडियो बना डाली। और अब मैं जा रहा हूँ दवाई खाने नीचे, नाश्ता करूँगा, फिर डॉक्टर के पास जाऊँगा, वीडियो करते हैं एंड, आपसे मिलते हैं, आपसे कब मिलेंगे अब यार तुम, मैं एक मिनट रुको, अभी वीडियो एंड मत करना, वीडियो बंद मत करना, इंस्टाग्राम पर मत जाओ, मुझे पता है मैसेज आ चुके हैं बहुत सारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, पहले मेरी सुन लो। देखो मैं कुछ चैलेंज वगैरह दूँ, मुझे पता है अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रखा मेरे घुटने पे, लेकिन पूछ रहा हूँ कि गाइज मेरे को कोई चैलेंज बताओ, जो घर में चैलेंज भी या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी जिससे मेरे घर में हो जाए वो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि फैमिली के साथ मैं ब्लॉग लाऊं, मम्मी वगैरह के साथ, तो तुम बता देना कमेंट में, मैं वो भी ले आऊँगा, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं उनसे बात करूँगा, अगर वो आना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम उनको ब्लॉग में लाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। तो देखते हैं गाइज आपके कमेंट्स क्या आते हैं, तो बाय गाइज, टेक केयर, अब तुझसे नहीं कह रहे उनसे कह रही, ठीक है, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।